YouTube से जो अवार्ड मिलता है कब मिलता है और कैसे मिलता है, क्या वो अवार्ड रियल होते हैं, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। हे गाइस, मैं हूं नीतीश और आप देख रहे हैं मोटिवेशनल नीतीश। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर हम लोग अवार्ड्स के प्रकार की अगर बात करें तो तीन प्रकार के ये अवार्ड्स होते हैं जो हमें यूट्यूब सेंड करता है। फर्स्ट अवार्ड की अगर हम बात करें तो सिल्वर प्ले बटन आपको फर्स्ट में मिलता है, और सेकेंड अवार्ड की अगर बात करें तो गोल्डन प्ले बटन, और लास्ट का जो अवार्ड होता है वो डायमंड प्ले बटन होता है। सिल्वर प्ले बटन की अगर हम बात करें कैसे मिलता है और कब मिलता है, तो ये आपको 1,00,000 सब्सक्राइबर बेस होने के बाद मिलता है, और अगर आपके चैनल पे कोई एक स्ट्राइक नहीं हो उस समय तो आपको ये दिया जाता है। लिया कैसे जाए, तो आप मेल एक करें यूट्यूब को और आपको ये अवार्ड उसके थ्रू दिया जाता है। वहाँ से कुछ वेरिफिकेशन कोड आता है और वेबसाइट भी आता है, वहाँ पे आप जाके वहाँ वेरिफिकेशन कोड डालेंगे और आपके जो पोस्ट ऑफिस होता है वहाँ पे आपको सेंड कर दिया जाता है। अगर नंबर टू की बात करें तो आपको गोल्डन प्ले बटन देखने को मिलता है। गोल्डन प्ले बटन आपको सेम प्रोसेस में मिलता है, लेकिन इसमें आपको 1,000,000 सब्सक्राइबर होना ज़रूरी होता है। 1,000,000 सब्सक्राइबर के साथ साथ आपके चैनल पे कोई स्ट्राइक नहीं होना चाहिए, तभी ये आपको दिया जाता है YouTube की तरफ से। सेम प्रोसेस होता है, आपको मेल करना इसमें भी होता है और उसमें भी। अगर हम बात करें नंबर तीन डायमंड प्ले बटन की, तो डायमंड प्ले बटन आपको 1,00,000 सब्सक्राइबर बेस पे आपको देखने को मिल जाता है, यानी कि 10,000,000 सब्सक्राइबर बेस होने पे मिलता है, और ये आपको डायरेक्ट नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि अगर आपके एरिया में कोई आपसे भी बेटर यूट्यूबर हो जिसका 10,000,000 सब्सक्राइबर हो तो उसको भी दिया जा सकता है या आपको भी दिया जा सकता है, लेकिन इसमें आपके ऑडियंस पे भी डिपेंड करता है किसका कितना इंगेज है, मतलब कितना व्यूज आता है। मतलब कहने का सीधा है कि नंबर वन यूट्यूबर कौन है उसको ही दिया जाता है, नहीं कि आपको 10,000,000 कंप्लीट हो गया आपके एरिया में सबसे पहले तो आपको दिया जाता है, ऐसा नहीं होता है। जिसका जैसा व्यू हो उसी प्रकार दिया जाता है। सेम प्रोसेस आपको इसमें भी है, मेल करना है और आपको ये सेंड कर दिया जाता है। अगर हम बात करें क्या ये रियल का गोल्ड होता है, सिल्वर होता है, डायमंड होता है, तो जो डायमंड होता है वो डायमंड कट होता है, उसमें ओरिजिनल डायमंड नहीं होता है, लेकिन इसका भी प्राइज रखा जाता है। अगर आप बोलेंगे कमेंट में लिखेंगे कि इसका प्राइज कितना होता है तो मैं इस पे रिसर्च करके आपको एक वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। तो अगर हम लोग गोल्ड का बात करें तो गोल्ड भी ओरिजिनल गोल्ड नहीं होता, ये सिर्फ गोल्ड कलर होने के कारण इसका नाम गोल्ड प्ले बटन रखा गया है। अगर बात करें सिल्वर की, तो सिल्वर ओरिजिनल चांदी का नहीं होता, सिर्फ कलर होने के कारण इसका नाम सिल्वर प्ले बटन रखा गया है। तो आपका जो डाउट था वो सारा मैं कोशिश किया हूँ क्लियर है। तो अगर थोड़ा सा भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन खाली है, आप जाके वहाँ पे कमेंट कर सकते हैं, और कोई भी टॉपिक सजेस्ट करना चाहे तो आप जाके कमेंट बॉक्स में सजेस्ट कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पे नोटिफिकेशन सेंड कर ले, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। चलिए लाइक कर देना और जाते जाते हमारे चैनल के नीचे कमेंट कर देना, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर कर लेना, क्योंकि वो भी जान लेंगे तो कोई खराब वाली बात नहीं होगी। तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।